मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन की संत कबीर नगर में धज्जियां उड़ रही हैं। सबका साथ सबका विकास के नारे को यहां के अफसरों और जिम्मेदारों ने अपने हिसाब से फिट कर लिया है। योगी सरकार ने जिले के विकास के लिए खजाना तो खोल दिया, लेकिन अपने भ्रष्ट अफसरों को नहीं बदला और ना ही कोई कार्रवाई की। नतीजा ये हुआ कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर भ्रष्टाचार का घुन लग गया। सरकार का सपना था कि कोई भी अब खुले में शौच को नहीं जाएगा, इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया। लाखों रुपए खर्च के बावजूद भी सामुदायिक शौचालय कागजों से आगे नहीं बढ़ सके। देखिए क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि सरकारी योजनाओं से होने वाले विकास कार्यों में जिम्मेदार अपनी जेब भरने के लिए जमकर धांधली करते हुए नजर आ रहे हैं। मानकों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य कराकर जिम्मेदार मालामाल होने और कमीशन खोरी के चक्कर में मानक और शासन के निर्देशों को ताक पर रखकर शासन की मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला संत कबीर नगर जनपद के सबसे बड़े विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत ग्राम दुधारा से सामने आया है, जहां पर शासन की सबसे महत्वपूर्ण योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय निर्माण में जिम्मेदारों द्वारा कितनी पारदर्शिता बरती गई, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब इस मामले पर नव निर्वाचित ग्राम प्रधान अब्दुल कलाम ने कहा कि नव निर्वाचित प्रशासक नियुक्ति के दौरान ही परियोजना शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक ये पूरी नहीं हो सकी है। साथ ही ग्रामीणों ने जब हमें जिम्मेदारी सौंपी तो उसकी शिकायत मैंने खंड विकास अधिकारी से की, जिसको लेकर शौचालय निर्माण कार्य आनन फानन में चालू करवा दिया गया, लेकिन अभी तक ये पूर्ण नहीं हुआ। और साथ ही बताया गया कि कहा जा रहा है कि निर्माणाधीन सार्वजनिक शौचालय में कमीशन खोरी को लेकर घटिया सामग्री का इस्तेमाल भी किया गया है। हाल ही में निर्माण हुए शौचालय का छत भी गिर गया है और इससे ये साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहे जितने भी प्रयास कर ले, लेकिन ग्राम पंचायतों की तस्वीर आज भी जस की तस बनी हुई है। 2020 से निर्माण उसका चालू किए थे, जो पूर्व सेक्रेटरी थे वही करवा रहे थे, तो उन्होंने काम तो पहले रोक दिया। हम लोग तो भाई बहुत संघर्ष किए उसके लिए, काम स्टार्ट भी किए। स्टार्ट करने के बाद से अभी फिलहाल 2 महीना पहले छत लगाए थे वो, फिर उसके बाद गिर गया वो छत। कितने की लागत से वो बन रहा था, कुछ जानकारी है इसमें? नहीं, उसकी जानकारी तो मुझे नहीं दी गई थी, क्योंकि मैंने पता लगाया था, लेकिन उसका भुगतान काफ़ी हो चुका था जी, 70% भुगतान हो गया है। जानकारी ये भी मिली कि वो ठेके पे काम चल रहा था उसका? हाँ, ठेके पे काम चल रहा था। तो क्या इसके संबंध में कोई और है? आपने बी डी ओ साहब से जानकारी दी है या? हाँ, बी डी ओ साहब को जानकारी दी, हमने पूरा रिपोर्ट उनको दिया, बोला कि भाई जिस हालात में है वो, उस हालात में हमने उसको पिक्चर डाल के दिया और बोले कि भाई इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। कितने दिन पहले वो गिरा था छत? ये हो गया लमसम 2 महीने हो गए। आपके माध्यम से ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है और मैंने तत्काल खंड विकास अधिकारी समरियावा को इसके लिए निर्देशित कर दिया है। आज शाम को 5 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी मेरे पास और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कोई भी निर्माण कार्य हो तो गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो। सरकार का कि मंशा ये है कि अच्छे तरीके से कोई कार्य हो और गांव समाओं का विकास हो। इतना इम्पोर्टेंट अगर बिल्डिंग बन रही है और गुणवत्ता पूर्ण नहीं है तो जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, किसकी जिम्मेदारी होती है गांव में सार्वजनिक शौचालय बनाना? ग्राम पंचायत खुद बनाती है, ग्राम पंचायत खुद बनाती है, वो निर्माण के लिए ऑलरेडी अधिकृत है। क्या माना जाए, ग्राम प्रधान दोषी है या सचिव दोषी? अब उसमें जो रिपोर्ट खंड विकास अधिकारी की आ जाएगी सुस्पष्ट रूप से, तभी मैं बता पाने की स्थिति में होऊंगा।